हेलो, आप सभी बेलो साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल समग्र ज्ञान में वैष्णव सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम यह सीखेंगे कि हम किस प्रकार से बेलो ऐप के माध्यम से ऐसे मतदाता जिनके वोटर कार्ड में फ़ोटो गलत है या कलर फोटो नहीं है या फिर फ़ोटो मिसमैच की स्थिति है, तो हम किस प्रकार से फ़ोटो सुधार कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर बेलो ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पर आप टच करेंगे तो कुछ इस तरह से बेलो ऐप ओपन होगा। यहाँ पर ऐप के द्वारा आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो आपको वनली दिस टाइम के ऑप्शन पर टच करना है। फिर दोबारा आपको वनली दिस टाइम के ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से बेलो ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म्स का ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का करेक्शन करने के लिए फॉर्म 8 का ऑप्शन 6वें नंबर पर दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। शिफ्टिंग आवलिक करेक्शन ऑफ इंट्री आवलिक रिप्लेसमेंट आवलिक PWD, फिर इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा इंटर अप्लीकेंट ईपिक नंबर। तो यहाँ पर आपको आवेदक मतदाता की ईपिक संख्या लिखनी है। आवेदक मतदाता की ईपिक संख्या लिख लेने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। सेम ईपिक वाले ऑप्शन को आपको तब सेलेक्ट करना है यदि आवेदक मतदाता स्वयं ही अपने किसी भी प्रकार की एंट्री में करेक्शन करवाना चाहता है। अदर ईपिक के ऑप्शन को आपको तब सेलेक्ट करना है यदि आवेदक मतदाता कोई और है और परिवार के किसी अन्य सदस्य की वोटर कार्ड में किसी भी प्रकार का करेक्शन करवाना चाहता है, क्योंकि हम जिसका फॉर्म 8 भर रहे हैं वह स्वयं ही आवेदक है और अपने ही वोटर कार्ड की एंट्री में करेक्शन करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में हम सेम ईपिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम टच करेंगे। जैसे ही आप सेम ईपिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यही ईपिक संख्या यहां पर भी दिखाई देगी। फिर इसके बाद आपको नीचे फिल फॉर्म 8 का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहां पर आपको पार्ट नंबर दिखाई देगा, यहां पर आपको उस आवेदक मतदाता का सीरियल नंबर दिखाई देगा। फिर इसके बाद आपको नीचे वोटर कार्ड में किसी भी प्रकार का करेक्शन करने के लिए आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, करेक्शन ऑफ एंट्री। इसको सेलेक्ट करने के लिए आप यहां पर टच करेंगे। फिर इसके बाद आपको नीचे फिल फॉर्म 8 का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहां पर आपको कोई काम नहीं करना है, सीधे आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप पर्सनल डिटेल के ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आवेदक मतदाता का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको आवेदक मतदाता की ईपिक संख्या दिखाई देगी। फिर इसके बाद आपको आधार डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आवेदक के द्वारा फॉर्म 8 के साथ आपको आधार नंबर उपलब्ध कराया गया है तो आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आवेदक के द्वारा फॉर्म 8 के साथ आपको आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो आपको दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आवेदक के द्वारा हमको आधार नंबर उपलब्ध कराया गया है इसलिए हम पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम टच करेंगे। फिर इसके बाद आपको नीचे आधार नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको आवेदक मतदाता का आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर लिख लेने के बाद फिर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आवेदक के द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है तो आप सेल्फ के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आवेदक के द्वारा परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है तो आपको दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। हम यहाँ पर सेल्फ के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और आवेदक मतदाता का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख लेते हैं। मोबाइल नंबर लिख लेने के बाद फिर आपको नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि आवेदक के द्वारा स्वयं का ईमेल आईडी उपलब्ध कराया गया है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आवेदक के द्वारा परिवार के किसी अन्य सदस्य का ईमेल आईडी उपलब्ध कराया गया है तो आपको दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और यदि आवेदक के द्वारा कोई ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं कराया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है,
आपको नीचे सीधे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप सबमिट एप्लीकेशन फार के ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आप आवेदक मतदाता की वोटर कार्ड में किस प्रकार की एंट्री में सुधार करना चाहते हैं। आप एक बार में 4 एंट्री में सुधार कर सकते हैं, उससे अधिक एंट्री में आप एक बार में सुधार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम मतदाता के वोटर कार्ड में किस प्रकार से फ़ोटो में सुधार कर सकते हैं ये देखने वाले हैं। इसलिए हम फोटो वाले ऑप्शन को यहाँ पर टच करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आपको सेलेक्ट करेक्ट फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। टेक फोटो, यदि आप मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आपको पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। चूज फ्रॉम गैलरी, यदि वह फ़ोटो आपके मोबाइल की गैलरी में है तो आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर टेक फोटो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फ़ोटो खींचने के लिए आपको नीचे वाइट सर्कल पर टच करना है। फिर इसके बाद आपको नीचे ओके का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। फिर इसके बाद फ़ोटो को आपको कुछ इस तरह से जूम करके सेट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर कॉर्नर पर एक सही का निशान दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आवेदक मतदाता की फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। यदि फ़ोटो सही तरीके से अपलोड नहीं हुई है तो आप डिलीट के ऑप्शन पर टच करके फिर से दोबारा फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको स्थान का नाम दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करना है। फिर आपको सीधे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप फॉर्म 8 के प्रीव्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आवेदक के समस्त जानकारियों को स्क्रीन को ऊपर की ओर स्क्रॉल करके अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि कहीं पर भी आपसे फॉर्म 8 भरते समय त्रुटि हो गई है तो आप कीप एडिटिंग वाले ऑप्शन पर टच करके उसमें सुधार कर सकते हैं। साथ ही BLO ऐप में आपको एक और सुविधा उपलब्ध कराई गई है, आप ईपिक वाले ऑप्शन पर टच करके देख सकते हैं कि उस आवेदक मतदाता का वोटर कार्ड बनने के बाद किस तरह से दिखाई देगा। आपके द्वारा जो एंट्री में करेक्शन किया गया है वह एंट्री में करेक्शन हो गया है या नहीं, तो यहाँ पर आपको ईपिक वाले ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको आवेदक मतदाता का ईपिक कार्ड बनने के बाद दिखाई देगा। यहाँ पर आपको समस्त जानकारियों को अच्छे से चेक कर लेना है। यदि समस्त जानकारियाँ सही हैं तो फिर आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, डू यू वांट टू प्रोसीड टू सबमिट दिस फॉर्म, तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा और नीचे एक रेफरेंस आईडी दिखाई देगी, इसको आपको आवेदक के फॉर्म 8 के ऊपर लिख देना है। फिर इसके बाद आपको नीचे ओके पर टच करना है। तो कुछ इस तरह से आप BLO ऐप की होम पेज पर आ जाएंगे। आशा करते हैं आज की वीडियो देखने के बाद आपको BLO ऐप के द्वारा किसी भी मतदाता के फ़ोटो सुधार करने में, BLO ऐप से फॉर्म 8 भरने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। इसी तरह हमारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी BLO साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।